अगर आप ये शासन की बात सुने, हमारे अधिकारी की, मुख्यमंत्री की, इनकी, तो मतलब आपने शासन से मोहब्बत की है, अपनी हुकूमत से मोहब्बत की है, अपने मजहब से मोहब्बत की है, अपने खानदान से मोहब्बत की है। हमारा सबसे पहले तो मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करता हूँ। अल्लाह ने ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, बुज़ुर्गों की, गरीबों की दुआएं साथ में हैं। वो जैसे मुझे एक परसों पेपर में पढ़ा था, मैं एक लेडीज़ को वहाँ पलंग नहीं मिला बोल के, मेरे दिल में कुछ शक था कि भाई इससे पहले भी मीनी घाटी में गया था, वहाँ पर खाने वाने का कुछ प्रॉब्लम था, वो दूर हुआ था दवाओं का। आज मैं खुद जा कर के देखा हूँ, तो वहाँ पर जाने के बाद शिवसेना साहब से, कुलकर्णी साहब से मिला हूँ, डॉक्टर बड़े अच्छे से बातचीत की, मतलब सब ये ऐसा क्यों होता है मुझे खुद देखना है। तो वहाँ जाने के बाद मैं पेशेंटों से भी मिला हूँ, मैं खाना अच्छा है, पलंग पे सब लोग अच्छे। फिर दूसरी चीज़ मैं देखता था कि म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे साहब भी बोलते थे कि भाई पेशेंटों का अच्छा ख्याल हो रहा है, रिव्यू कमिश्नर, हमारे रिव्यू कमिश्नर साहब भी कहते थे, कलेक्टर साहब चौधरी साहब कहते थे, गुप्ता साहब काम कर रहे पुलिस कमिश्नर, तो ये अधिकारी जो बता रहे तो सही क्या है, तो वो उनका तो समझ में आता था। तो मैं खुद आंखों से देखा हूँ कि छोटी घाटी में काफ़ी इंतज़ाम अच्छा है, हर पलंग पे लोग थे। कुछ डॉक्टर तो मुझे ऐसे मिले डॉक्टर साहब कि मुतखेड़कर सर, कि वो डायरेक्ट बता रहे थे ये पेशेंट का, ये पेशेंट का, ये मैं पेशेंटों से मिला हूँ डायरेक्ट, हर एक से, हर समाज के पेशेंट वहाँ मौजूद है। और पलंग आए कुछ, 7-8 पलंग भी मुझे खाली नज़र आए, 8-10 पलंग, बाकी काफ़ी पेशेंट। स्टाफ कम होने के बाद वहाँ पर सिस्टर लोग, डॉक्टर जो मेहनत कर रहे थे, और शिव सर्जन साहब कुलकर्णी के अंडर में, बड़ा मुझे अच्छा लगा। वहाँ डॉक्टर कुलकर्णी साहब है जो वहाँ के शिव सर्जन है, दूसरे सुंदर कुलकर्णी साहब है, सुनील गायकवाड़ साहब, डॉक्टर सुनील गायकवाड़ है, और आशा सिरसागर है, आशा सिरसागर है, सुरेखा नाइक है, के एस मुतखेड़कर है, और अमूल मेत्रे, ये लोगों से बातचीत हुई, मेरे साथ आए, मुझे, मैं भी किट पहना, वो भी किट पहने, सबसे देखा, पेशेंटों से भी मिला हूँ मैं। तो एक देखने के बाद कि अगर हम खाली अफवाह पे ख्याल ना दें, हम देखें कि आज आपके पास औरंगाबाद में रिव्यू कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर जो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम गलत मैसेज ना जाए। मैं देखा हूँ, बड़ा अच्छा लगा, शिवसेना ऑफिस के अंदर भी सब लोगों ने काम करे, पेशेंटों से मैं मिला हूँ, कुछ पेशेंटों की डेथ भी हुई थी, कोई डिस्चार्ज भी थे, आज भी वहाँ से 3-4 पेशेंट डेथ हुए। तो मुझे इसलिए ये हिम्मत करके मैं वहाँ जाके पूरी तफसील लिया, बारे में भी पूछा गया, हो सकता उनको तकलीफ हुई होंगी क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं जब उस टाइम पर उन्होंने बताया, लेकिन आज मैं देखा हूँ मेरी आंखों से देखना और बाकी सुनना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आज लोग, इस टाइम पर लोग डर रहे हैं, खुद के सगे मर रहे, तो बहुत से लोग बैयत पे नहीं जा रहे। कुछ मुस्लिम बच्चे जो मस्तान ग्रुप काम कर रहा है, मस्तान ग्रुप इतना अच्छा औरंगाबाद में आज काम कर रहे, वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू हो क्या मुस्लिम हो, उनको ले जाके दफनाना, उनको जलाना, तो ये जो काम हो रहा है, तो इसमें से ऐसा कुछ लोगों को शिकायत हुई होंगी, हो सकता है इतने बड़ी चीज़ में अगर माहौल में, लेकिन आज मैं जो देखा मुझे ऐसा कुछ लगा, नज़र नहीं आया मुझे। अच्छा, बेड पे गए, अपने पास सब चीज़ों की कमी है, उसके बावजूद भी काम हो रहा है, तो मुझे लगा कि भाई जाके, मैं वैसा प्राइवेट दवाखानों में भी गया हुआ हूँ, पर आज भी प्राइवेट दवा, अब कई जगह बेड नहीं है, परसों रात में हमारे नोबल दवाखाना है बाजू में भीड़ बाईपास पे, वहाँ सलीम, डॉक्टर सलीम साहब है, वो बेचारे बहुत कम फीस में लोगों को एडमिट कर, तो जगह भी नहीं उनके पास, लेकिन सलीम साहब नोबल को जाके मैं खुद मिला हूँ, तो बेचारे कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है तो एक दूसरे से मदद कर दे रहे, हम जो खैर अल्लाह के लिए जो कर रहे हैं कर देना चाहिए, तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ। एक बात है, वो डॉक्टर ने जो की बहुत गलत हरकत थी, उसकी वजह से बाद में शासन, यहाँ के ऑफिसर पूरे टाइट हो गए हैं, लेकिन ऐसा एक आधा शैतान तो पैदा हो ही जाता है, तो हम उस शैतान की वजह से तो कुछ चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं ना। लेकिन आज मैं बताता हूँ आपको, 100 साल के ऊपर हुए, 100-125 साल, एक प्लेग की बीमारी आई थी, वो बीमारी के टाइम हमारे पास कौन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, पेपर नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, जंगलों में जो लाश जाके रखे, एक लाश दफना के आए तो दूसरी लाश दफनाने जाते, एक जला के आए तो दूसरा लेके जाते, इतना था। आज ये शासन, आज हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उदय ठाकरे साहब ये जो काम कर रहे हैं, हमारे टोपे साहब हेल्थ मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं हमारा, तो ये इतनी मेहनत से कर रहे हैं, अब थोड़ा बहुत अगर हम कुछ उसमें अगर खामियां देखते बैठे तो गलत, जितना इनसे हो सक रहा है, लेकिन हम भी तो हमारी तरफ से सेफ्टी करें, हम क्यों रोडों पर रातों को फिरते, क्यों एक जगह हम जमा होते, क्यों होटलों में हम भाई कोई चिटक के बात करते, हम मास्क क्यों नहीं पहनते हैं,
हम कोई चीज़ तो सोचो ना, अब जैसा कि मैं हूँ आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप दूर बैठे मैं दूर करके मैं मास्क नहीं लगाया, ये मेरा मास्क रखा हुआ है, लेकिन कम से कम ये हो जाए कि मैं मामूझ मास्क नहीं लगाए, ऐसा नहीं है। हम सेफ्टी हमारी करिए, हमारे बाल बच्चों की करिए। और पहली चीज़ ये, अगर आपको आपसे मोहब्बत है तो आपको घर से मोहब्बत होना अपने बाल बच्चों से, बाल बच्चों से मोहब्बत है तो ख़ानदान से मोहब्बत होना, ख़ानदान से मोहब्बत है तो अपने स्टेट से मोहब्बत होना, स्टेट से तो अपने देश से मोहब्बत होना। अगर आप ये शासन की बात सुने हमारे अधिकारी की, मुख्यमंत्री की, तो मतलब आपने शासन से मोहब्बत की है, अपनी हुकूमत से मोहब्बत की है, अपने मजहब से मोहब्बत की है, अपने ख़ानदान से मोहब्बत की। हमारा ख़ानदान इतने बड़े बड़े हैं तो हम ख़ानदान को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम समझा नहीं सकते कि आप कैसे सेफ्टी करो। कुछ गलतियाँ हमारी भी है ना, हम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये सोचिए हमारी भी क्या क्या गलतियाँ हो रही।